दोस्तों, ये तीसरी कविता है सीताकांत महापात्र जी की, माचिस की डिबिया। ये मुझे बहुत पसंद है। माचिस की डिबिया जैसी बस में सलाइयों की तरह ठसे लोग, उबड़ खाबड़ रास्ता फिर महानदी तक डोंगी। ये सब पार कर पहुंचने के समय छुटपुटे का वक्त। वो कहती थी यमराज तक देर से पहुंचता है हमारे गांव में। सचमुच बहुत देर हो चुकी थी, लोग तैयार कर चुके थे सरंजाम। हमारे कंधों पर उसकी दूसरी यात्रा, लंबी यात्रा शुरू होने को थी। उसके पहले हल्दी में लगी आई थी मायके के गांव से हमारे गांव तक। कगार का वृक्ष हो चली हूं बेटा, बीच बीच में आते रहना, पता नहीं तुझे देख भी पाऊंगी या नहीं। कगार का वृक्ष बह रहा था नदी की धार में और उसे अब किसी शब्द की खोजना थी। बीच वाले कमरे में सफेद चादर उठाकर मैंने देखा था इतिहास का चेहरा, आकाश की तरह सुनसान, मिट्टी की तरह निर्वाक। रात को झींगुर स्वर बांस बन में जुगनू, शमशान से लौटकर सब जा चुके थे अपने अपने घर। मटमैली गोबर लिपि दीवार पर नाच रही थी परछाई। हमारी तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुंह किए रो रहे थे पिता। उनसे क्या कहता, बाहर आकाश को ही देखने लगा। जहां बन गई थी वो एक और नक्षत्र, और उसी दिन मैंने जाना कि जीवन का सारा दुख छिप छिप कर ही पीना पड़ता है। धन्यवाद।